मैं इतना कंफर्ट यहाँ फील किया मैंने, लेसर टाइम मैक्सिमम कंफर्ट और ऑलमोस्ट पेनलेस। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इतना कंफर्ट यहाँ फील किया मैंने, लेसर टाइम मैक्सिमम कंफर्ट और ऑलमोस्ट पेनलेस। इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब बहुत ही ख़राब था मेरा, इसके पहले कि इम्प्लांट मेरे फेल हो चुके थे, मैं बहुत डरते डरते यहाँ आया था। एक्चुअली एक बार तो लगा कि मैं अब आगे कराऊँ ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस गुजरता गया और मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया, और आज के दिन जब मेरा इम्प्लांट आज कंप्लीट हुआ है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और एक बार फिर डॉक्टर साहब आप लोगों के पूरी टीम को आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार थोड़ा मेरे को पहले के बारे में भी जानना है कि आपने इम्प्लांट कराए कितने समय में फेल हो गए, और डॉक्टर साहब मैंने उन डॉक्टर ने क्या बोला? पहले गए तो कुछ नहीं, कोई तरह के मुझे कॉम्प्लिकेशन की बात उन्होंने की नहीं, बस जैसे कहते गए ऐसा मैं कर दूंगा, इम्प्लांट हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल रहेगा। और काफ़ी लंबा समय मैंने, मुझे नहीं लगता कि करीब जो 5 इम्प्लांट जो किए थे, वो उस 5 इम्प्लांट में उन्होंने कम से कम पूरे 1 साल लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। फिर वो जब किसी तरह से लास्ट में फिर हुआ तो बोले कि नहीं एक नहीं हो रहा है, इसको बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद वो किए, फिर भी उसी समय जब फिक्स कर रहे थे डेंचर, उसी समय एक डेंचर निकल गया, 5 में से 4 रह गए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः 2 साल ठीक ठाक रहे, 2 साल के बाद एकाएक करके एक एक महीने के अंतर पर वो इम्प्लांट निकलते गए, कभी कोई 2 महीने परेशानी कुछ उससे कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो उसमें मुझे लगा कि जो इम्प्लांट मैंने कराया वो बेकार कराया, बस कुछ कभी भी मुझे उससे महसूस नहीं हुआ कि मैंने कुछ कराया है। चलिए अभी आशा करते हैं अब आपको कभी दोबारा दिक्कत ना फेस करनी पड़े। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई होप सो। आप जब भी यहाँ आए गुड़गांव हमसे मिलने जरूर, डॉक्टर साहब जरूर मैं मिलूँगा, जरूर मिलूंगा डॉक्टर साहब। थैंक यू अगेन।